हाय गाइस, मैं हूँ राहुल। आप देख रहे हैं हेल्प क्रू चैनल। आज के वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक एम्पलीफायर है और अगर आप होममेड एम्पलीफायर बनाते भी हो तो साउंड क्वालिटी तो अच्छी आती है, लेकिन उसके साथ हमिंग आती है। अब हमिंग क्या होती है वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमिंग है क्या, आखिर हमिंग आता क्यों है। जैसे कि आप लोग को पता है, हम जब भी ब्लूटूथ मोड को स्टार्ट करते हैं या एम्पलीफायर को जब स्टार्ट करते हैं तो उस पर हमें एक छोटा सा बीप टाइप का सुनने को मिलता है, तो उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि जब अभी हम म्यूजिक को चलाते हैं तो उस पर यह होता है कि जो हमारा जो ब्लूटूथ कार्ड होता है या इस तरीके की जो आईसी होती है जिस पर आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके चलाते हैं, तो इस पर हमें हमिंग आती है और उसके साथ म्यूजिक को चलाना बहुत ज़्यादा अच्छा ख़राब लगता है, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो किस तरीके से हमिंग को रोका जाए या किस तरीके से हम उसे रोक सकते हैं या उससे किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो ये मैं पूरा आज की वीडियो में बताऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं तुरंत इसका सोल्यूशन बताऊंगा 3 स्टेप्स में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम इस वाले मॉड्यूल के साथ पर कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पैनल ज़्यादा लोगों के पास नहीं होता। जिसके पास सिर्फ एम्पलीफायर आप बनाते हो उसी के पास ये आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये जो ब्लूटूथ किट है या मॉड्यूल है ये आपको हर एम्पलीफायर पर देखने को मिल जाएगा। आप होममेड बनाते हो उस पर भी देखने को मिल जाएगा। ये मैंने एक वायर कनेक्ट कर दिया जो इसका प्लस वाला वायर था। अब मैं माइनस वाले को डायरेक्ट इस पर टच करूँगा। आप यहाँ पर सुन सकते हो और यहाँ पर आप इसकी जो नॉइस है या जो हमिंग है वो आप यहाँ पर सुन सकते हो। मैं माइक को इसके सामने ले जा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर सुना, ये हमिंग कर रहा है और अभी तो ये कम है। जब हम इस पर म्यूजिक को प्ले करते हैं उसके बाद ये ज़्यादा हमिंग करता है, वो भी आपको मैं सुना देता हूँ अभी तुरंत। यहाँ पर मैंने ये म्यूजिक लगा लिया, मैं साउंड को फुल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अब अभी ये हल्का हल्का हमिंग कर रहा है, आपको मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। ये काफी हल्का चल रहा है। यहाँ पर आपने इसका हमिंग सुन लिया, अब इसे सॉल्व कैसे करना है वो आपको वीडियो को भी देखना है। सॉल्यूशन देखने से पहले आपको मैं इसे भी टेस्ट करके दिखाई देता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको पहले उस पर सॉल्यूशन बता दूंगा तो आप लोग क्या करोगे, उसका सॉल्यूशन आप इस पर ट्राई करोगे और वो आपका मॉड्यूल ख़राब कर सकता है। इसलिए मैं अभी आपको सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, सबसे पहले इसका हमिंग जो है वो भी आपको मैं चेक करके दिखा दूंगा। साथ ही अगर आप चाहते हो कि इसे हम कितने भी वोल्ट दे तो ये ख़राब ना हो, 5 वोल्ट की जगह पर मान लेते हैं 12 वोल्ट दे दिए, 9 वोल्ट दे दिए या 25 वोल्ट भी अगर हम दे देते हैं तो ये मॉड्यूल ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो दे दूंगा। ये टॉपिक है हमिंग को हटाना कैसे है वो उसकी वीडियो ये है। तो सबसे पहले इसका जो आउटपुट है या प्लस इनपुट है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 5 वोल्ट और ग्राउंड। कोई कोई मॉड्यूल मतलब किसी किसी सर्किट पर तो ऐसा होता है जहाँ पर आपको 12 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, 12 वोल्ट डीसी पर, यहाँ पर ये 5 वोल्ट से ही ऑपरेट होता है। लेकिन ये हमिंग करता क्यों है, तो हमिंग करने का सबसे पहले मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ भाइयों। अब आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा PM84 का जो मॉड्यूल था ये मॉड्यूल ख़राब हो गया है, मतलब अभी मैं इसे चेक कर रहा था और ये यहाँ से पूरी तरह से ये जल गया। तो यहाँ पर मैंने एम्पलीफायर को चेंज कर दिया है, एम्पलीफायर को मैंने यहाँ पर लगा दिया है 15+15 वाट वाले जो एम्पलीफायर देखते हो उसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ये 12 वोल्ट 28 वोल्ट पर ये लास्ट वर्क करता है, 18 वोल्ट 24 वोल्ट तक काम कर लेगा। तो यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। अब मैं आपको इसका नॉइस चेक करके दिखा देता हूँ। छोटा स्पीकर मैंने लगाया है, बड़ा स्पीकर पर ज़्यादा आपको हमिंग का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। तो हम इसे सबसे पहले पावर को यहाँ से ऑन करेंगे, ये 12 वोल्ट इनपुट में दे रहा हूँ। यहाँ पर मैंने पावर दे दिया, मैं माइक को रखता हूँ। तो आप यहाँ पर मतलब आप इसकी हमिंग को सुन सकते हो, मैं माइक को इसके सामने लेकर के जा रहा हूँ तभी आपको पता चल रहा है। तो अब हम बात करेंगे हमिंग को कैसे दूर करते हैं, हमिंग आखिर होता क्यों है।
तो चलिए अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। आप लोगों ने अभी तक जितना समय दिया वो आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको मैं समय दे रहा था। अब हम बताएंगे कि मतलब मैम आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसे रिपेयर कर सकते हैं, हमबिक से बचाया जाए। आपको इसे हमबिक से बचाने के लिए सबसे पहले आपको ले लेना पड़ेगा एक कैपेसिटर। कैपेसिटर का वैल्यू आपको 16 वोल्ट 1000 यूएफ रख सकते हो या 470 यूएफ का भी आप रख सकते हो। यहाँ पर मेरे पास 4700 का है तो मैं इसे ही यूज कर रहा हूँ। और आपको मैं बता देता हूँ, आप इसमें पहला स्टेप तो यही है कि आप यहाँ पर कैपेसिटर का यूज कर सकते हो। अब कैपेसिटर को लगाना कहाँ पर भी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले कैमरे को जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है इसका इनपुट। यहाँ पर हम इस पर 12 वोल्ट देते हैं या 5 वोल्ट देते हैं या जितनी भी हम इसमें एम्पलीफायर को इनपुट देते हैं, आपको यहाँ पर एक कैपेसिटर यूज करना पड़ेगा। और सिर्फ आपको इसी में नहीं करना है, जैसे कि ये हमारा मॉड्यूल है ये वाला, तो इस पर भी हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा क्योंकि इस पर भी हम यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं 5 वोल्ट। और अगर कैपेसिटर यूज नहीं करते तो इसमें हमबिंग का प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। कैपेसिटर लगाने के बाद ये हमबिंग बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, लास्ट में आपको दिखा दूंगा, पहले मैं तीनों मेथड्स आपको बता देता हूँ। दूसरा मेथड हमारा ये है, जैसे कि आप एम्पलीफायर बनाते हो तो क्या करते हो, एम्पलीफायर और ब्लूटूथ मॉड्यूल आप एक साथ ही कनेक्ट कर देते हो। इसका भी इनपुट आप दे देते हो, इसका भी इनपुट देते हो 7805 के आईसी को कनेक्ट करते हुए, तो उस पर भी आपको देखने को मिल जाता है हमबिंग का प्रॉब्लम, क्योंकि सप्लाई एक है हमारा और पावर हमारा दोनों में जाता है, चाहे वो एसी हो या डीसी करंट हो। तो इसे हमबिंग से बचाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करना, अगर आप सोचोगे कि ये हमारा 18 वोल्ट पर काम करता है एम्पलीफायर और ये 5 वोल्ट पर काम करता है तो हम आईसी लगाएंगे तो करंट तो आखिर आ ही जाएगा, तो ऐसा मत करना। आप एक नॉर्मल चार्जर ले लेना, ये आपको पुराना चार्जर देखने को मिल जाएगा जिस पर 5 वोल्ट आउटपुट मिलता है, 1 एम्पियर का ये होता है। तो आप क्या करना, जो 5 वोल्ट की आपकी जो एम्पलीफायर मॉड्यूल रहेगी, जैसे कि ये ब्लूटूथ पैनल मॉड्यूल है, इस पर आपको एक चार्जर को कनेक्ट कर देना है। मतलब इसका पावर सप्लाई आपको अलग देना होगा और एम्पलीफायर का अलग सप्लाई देना होगा। अब आप लोग बोलोगे कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं होते कि हम इस पर अलग एडेप्टर लगा दें और इस पर एक अलग एडेप्टर लगा दें, तो तीसरा मेथड आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरा मेथड आपका ये होगा, जो बैटरी है, बैटरी आपको पता है 12 वोल्ट की होती है, ये मैंने बनाया खुद से, तो इस पर हमें 3.7 वोल्ट भी ले सकते हैं, 4 वोल्ट भी ले सकते हैं, 9 वोल्ट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ हम इसे 12 वोल्ट भी ले सकते हैं, लेकिन आपके पास तो ऐसा बैटरी होगा नहीं, तो आप क्या करना 7805 का ले लेना आईसी और उसका कनेक्शन आपको कैसे करना है, ग्राउंड वाला पिन जो रहेगा, मैं जूम करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा कैमरे को सेट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा कि इस पर मैंने क्या किया, सिंपली ग्राउंड पिन को मैंने रिमूव कर दिया है, मैंने तोड़ दिया है। अब आपको पता है कि जैसे हम नॉइस को अगर हटाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ग्राउंड पिन हमें हटाना होता है। और आपको पता है एम्पलीफायर ग्राउंड पिन पर जब हम ऑक्स केबल को टच करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट होता है, नॉइस आता है, तो उसे रिमूव करने के लिए आपको ग्राउंड आपको हटा देना पड़ेगा। तो सीधा अगर मेरे हिसाब से अगर समझते हो तो आप करना यही कि अलग अलग पावर सप्लाई ले लेना, या आप इसकी जगह पर इसे अलग पावर से चलाना, इसे अलग पावर से चलाना, 5 वोल्ट का दोनों मॉड्यूल है तो आप क्या करोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जो मैंने शुरू में आपको मॉड्यूल दिखाया था, तो यार मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। नहीं समझ में आता तो मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं अवेलेबल हूँ, सभी के लिए आपको चैनल के अबाउट सेक्शन पर मिल जाएगी, वहाँ से जाना, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आप मुझे फोटो के थ्रू आप मुझे जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो पूछ सकते हो। और अब मैं इसमें कैपेसिटर को लगा करके आपको दिखा देता हूँ और किस तरीके से यूज करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कैपेसिटर को आपको देखते हुए ही लगाना पड़ेगा। कैपेसिटर का ये जो वो आप देखते हो इसमें छोटे छोटे डॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ये इसका माइनस होता है और पूरा पट्टी इसका प्लस होता है। तो आपका जो कैपेसिटर होगा उसे आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जो भी पावर सप्लाई है उसका इनपुट आएगा उस पर आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि 5 वोल्ट यहाँ है और ग्राउंड यहाँ पर है, तो सिंपली हमें इसे कुछ इस तरीके से सोल्डर करना पड़ेगा, तो मैं इसे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैंने सिंपली कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है, प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब अगर हम इसे इनपुट देते हैं, जो भी आप इनपुट दोगे, तो मैंने यहाँ पर सिंपली एक कैपेसिटर लगाया क्योंकि मेरे पास अभी एक कैपेसिटर है तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ। अब इस पर हम जैसे ही करेंट देते हैं तो आप इसकी नॉइस को आप सुन सकते हो, बिल्कुल भी नॉइस नहीं आएगा इस पर। ये देखिए आप यहाँ पर सुन सकते हो, कोई भी नॉइस नहीं आ रहा, आपको पता नहीं चल रहा होगा। मैं माइक को इसके सामने रख देता हूं और मैं इसे ऑन करता हूं, आप सुनना, बिल्कुल भी नॉइस नहीं आएगी। ब्लूटूथ मोड।
तो भाइयों यहाँ पर आपने डायरेक्ट सुना कि इस पर आप कोई भी नॉइस नहीं आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं म्यूजिक को भी आपको प्ले करके सुना देता हूँ। ये हमारा ब्लूटूथ, इसे हम पेयर करते हैं। आप यहाँ पर इसकी साउंड को सुन सकते हो। यहाँ पर ये हमारा पेयर हो गया है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। साउंड को मैं फुल कर रहा हूँ। साउंड सुनिए भाई। अब ये बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नॉइस इसमें नहीं आ रहा है। मैं फिर से सामने लेकर के जा रहा हूं। तो यहां पर आप सुन सकते हो कि इसमें नॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और जो इसका हम्बिंग प्रॉब्लम था वो भी हट गया है। क्योंकि मैं तो हम्बिंग आपको बताया था कि हम्बिंग से कैसे बचाए, लेकिन ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो गया है। हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अभी तुरंत से कि आखिर हम इस पर कोई भी मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हम इस पर सिंपली 7805 अगर लगाते हैं तो इसमें मैक्सिमम 5 वोल्ट में आउटपुट मिलता है। और जब हम इसे 5 वोल्ट देते हैं तो ये वर्क करता है, या 3.7 वोल्ट की बैटरी भी कनेक्ट करते हैं तो ये अच्छी तरह से वर्क करता है। लेकिन क्या होगा कि अगर हम 9 वोल्ट दे दें, 12 वोल्ट दे दें या 24 वोल्ट दे दें तो ये ख़राब नहीं होगा। तो उसको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, वैसे तो मैं इस पर एक नया वीडियो बताऊँगा, अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपको 5 वोल्ट देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट देखने को मिल जाता है, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था। और इस पर कनेक्शन कैसे करेक्ट किया जाता है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। इसे मैं थोड़ा रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ से वायर को निकाल देता हूँ। ये मैंने निकाल दिया। अब देखिए, अब ये हो गया पूरी तरह से खाली। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये कनेक्शन इसका पूरा कंप्लीटेड है। यहाँ पर इस जगह पर आपको 3 डॉट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इस जगह पर आपको, अगर आपके पास इको वाला माइक होगा तो उस पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो नया वाला वर्जन होगा उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप मुझे कमेंट कर देना और यहाँ पर क्या लगाना होता है वो मैं आगे की वीडियो बताऊंगा। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, मुझे पता है कि लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और के साथ न्यू टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।